अमृतपाल वाले मामले नूं लैके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच अज दूसरी सुनवाई सी। 28 मार्च नूं जिहड़ा टाइम दिता गया सी, सुनवाई दा टाइम दिता गया सी, उदों तक मोहलत दिती गई सी पंजाब सरकार नूं वी और पुलिस नूं वी। और इस पूरे मामले नूं लैके जदों सुनवाई हुंदी है तां उस विच हाई कोर्ट वी जिथे सरकार नूं फटकार लाउंदा दिखाई दिंदा है, उत्थे ही जिहड़े अमृतपाल दे वकील ने उहनां नूं वी इह कहिंदा जरूर दिखाई दिंदा है कि अपने जिहड़े सबूत ने उह जरूर पेश कीते जाण। सबूतां दी मंग सरकार ते पुलिस तों वी कीती गई है, जदकि दूजे पासे इमान सिंह खारा जो कि अमृतपाल दे वकील ने उहनां नूं वी इह अपील कीती गई है कि सबूत जिहड़े ने उह वी पेश कीते जाणे। दूजे पासे जदों सुनवाई खत्म हुंदी है तां इमान सिंह खारा वल्लों यानी कि अमृतपाल दे वकील वल्लों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की जाती है, मीडिया नाल गलबात की जाती है और उस दौरान उन्हां वल्लों एक कहा जाता है कि उन्होंने इस गल का यकीन है कि अमृतपाल सिंह दरअसल पुलिस की गिरफ्त दे विच ही है और वो अपनी पटीशन उत्ते खड़े रहना चाहते हैं, पटीशन नूं अगे वधाउणा चाहुंदे ने और जवाब मंगना चाहुंदे ने, सरकार तो जवाब मंगना चाहुंदे ने। लगातार उन्हां वल्लों यही गल कही गई है। उन्हां दा कहना है कि जिथे बीते दिनी सरकार दा यह दावा सी कि जिहड़े फड़े गए लोग ने, जिहड़े अमृतपाल मामले नूं लैके ऑपरेशन अमृतपाल नूं लैके जिहड़े लोग फड़े गए ने, जिहड़े मुलजम दे तौर ते फड़े गए ने ते निर्दोष ने, उन्हां नूं रिहा कर दिता जाएगा, उस बयान नूं लैके अजे तक पूर्ण तौर पर काम नहीं किया गया। उन्हां दा कहना सी कि बड़ी वड्डी मात्रा दे विच इहो जिहे लोग ने जो इहो जिहे नौजवान ने खास करके जो सलाखां दे पिछे ने, जो हिरासत दे विच ने या फिर गिरफ्तारी भोग रहे ने ते उह बेकसूर ने। उन्हां दा कहना सी कि इहो जिहे लोकां दे, इहो जिहे नौजवानां दे मापे हर रोज़ उन्हां नूं फोन करदे ने और हर रोज़ इंसाफ दी मंग करदे ने। उन्होंने साफ तौर पर इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के संबोधन करदिआं कहा है कि उन्होंने पुलिस की कार्रवाई उत्ते यकीन नहीं है। उन्होंने कहना है कि पुलिस दरअसल अमृतपाल को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने यही कहना है कि अमृतपाल को जल्द तो जल्द कोर्ट अगे पेश किया जाए, जिहो जिहा कोर्ट का कहना है। इस तो इलावा जे गल करिए अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर नाल भी मीडिया की गलबात होने बारे जानकारी सामने आती है। सूत्रों मुताबिक किरणदीप कौर वालों भी गलबात की जाती तो उन्होंने वालों भी यही कहा जाता है कि जे पुलिस की गिरफ्त के अमृतपाल सिंह है तो उसनू कोर्ट सामने पेश किया जाए। लगातार कोर्ट सामने पेश करन दी गल कीती जा रही है, कोर्ट सबूत मंग रही है, हाई कोर्ट वालों सबूत मंगया गया और पंजाब सरकार नू भी फटकार लाई गई है। दूजे पासे मानसिक जिहड़े खारा ने उन्हां वालों साफ तौर पर गल कही गई है कि अमृतपाल सिंह पुलिस की गिरफ्त के और पुलिस जानती अमृतपाल कित्थे है। इस पूरे मामले में लैके लगातार एक लड़ाई बनती दिखाई दे रही है, एक लड़ाई चलती दिखाई दे रही है जिथे एडवोकेट जनरल का साफ कहना हुंदा है कि पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है अमृतपाल सिंह नूं ट्रेस करन दी, उन्हूं लभण दी। उत्थे ही इमान सिंह खारा जो अमृतपाल दे वकील ने उन्हां दा साफ कहना है कि पुलिस दी गिरफ्त दे विच ही है अमृतपाल। खैर की पूरा मामला है, अमृतपाल फरार है या फिर पुलिस दी गिरफ्त विच है, ये तो वक्त ही दसेगा, पर प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान इमान सिंह खारा का की कहना सी आओ सुनते हैं। हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफी नजदीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है, अभी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान है चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहां पर जाएगी, सारा जायजा लेगी, वहां जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहां पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहां पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 225 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज में देखा था, न्यूज मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज कर दिया है और अभी तक काफी अंदर है। काफी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फोन आ रहे हैं, किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है, 157 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोज बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेजिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्ग के देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटीशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला,
अगर अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को खराब करने के लिए, जो साथी थे उनके इमेज को खराब करने के लिए, तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। देखो ये हम पूरा पूरा मुझे इस चीज की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको ये ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराज रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था, तो ये सारा प्रोपेगेंडा उनको इतना नहीं पता पंजाब में आईपीएस हैं, और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था, उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसे सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं? क्योंकि ये तो दसवीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था, उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूंगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। भाई साहब एजी ने अंदर ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है एजी साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहां पर भी, हम जो नजदीक है, ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, एजी साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफी नजदीक हैं। अच्छा, जब पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि वो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूं कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी, पुलिस के पास कोई और कोई एविडेंस है नहीं का, जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो इसी प्रोपेगेंडा के तहत, ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।